देश के कई राज्यों में बिजली संकट के बादल मंडरा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि ब्लैकआउट का खतरा है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार समेत कई राज्यों में बिजली का संकट पैदा हो सकता है। वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों मंडरा रहा है देश पर बिजली संकट का खतरा, क्या है वजह और क्या है इससे जुड़ा चीन कनेक्शन। कोयले की किल्लत देश पर मंडरा रहे बिजली संकट की असल वजह है। देश में कोयले से चलने वाले 135 पावर प्लांट में से आधे से ज्यादा ऐसे हैं जहां कोयले का स्टॉक खत्म होने वाला है। सिर्फ 2-4 दिन का ही स्टॉक बचा है। अगर ऐसा हुआ तो देश के कई हिस्सों में ब्लैकआउट यानी अंधेरा छा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में हालात ये हैं कि सरकार को पावर एक्सचेंज से 20 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदनी पड़ रही है। यानी दिल्ली के लोगों को जो बिजली महज 4-5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से मिल रही है, सरकार उसे 20 रुपए प्रति यूनिट की दर से पावर एक्सचेंज से खरीद रही है। पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में बिजली की कटौती भी होना शुरू हो गई है। भारत जैसे देश में जहां 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता हो, वहां इस संकट का सीधा मतलब है बिजली गुल होने का खतरा। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ते ही अचानक बिजली की खपत बढ़ी है, ये भी बिजली संकट की एक वजह है। वहीं दूसरी तरफ इस साल मॉनसून में देरी की वजह से कोयला खदान क्षेत्रों में बारिश से कोयला उत्पादन और प्लांट तक कोयला पहुंचाने पर बुरा असर देखने को मिला है। एक और वजह कोयले की विदेशी बाजारों में कीमतों के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचना है। इसके अलावा कोयले का पर्याप्त स्टॉक ना तैयार हो पाना। भारत में बिजली संकट से जुड़ा चीन कनेक्शन भी जान लेते हैं। दरअसल भारत का 20 लाख टन कोयला चीन के पोर्ट पर महीनों से फंसा है। ये कोयला भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मंगाया था। अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए भारत को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भी कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत में कुल इंपोर्ट होने वाले कोयले का 70% ऑस्ट्रेलिया से आता है। दक्षिण भारत के बिजली घर झारखंड या छत्तीसगढ़ से कोयला मंगाने के बजाय ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर है, जबकि इसके पास दुनिया का 4th सबसे बड़ा कोल रिजर्व है। लेकिन इसके बावजूद देश में कोयले की किल्लत होने की वजह से फिलहाल बिजली संकट मंडरा रहा है। हालांकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का कहना है कि देश में बिजली का कोई संकट नहीं है और कोल इंडिया के पास पर्याप्त कोयला है।